निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। समय को देखते हुए स्वयं को संपूर्णता के तरफ ले जाना और विश्व में बाप दादा की प्रत्यक्ष करना। मीडिया बहुत प्रयास करते रहा है, परंतु अभी तक जितना हम चाहते हैं वो कर नहीं पाए हैं, क्योंकि भाषण जो है लोगों के दिल दिमाग में 25% ही जाता है शब्दों से। जो दृश्य है, विजुअल है, फिल्म है, वो 75% लोगों के दिल में दिमाग में जाता है। सत्संग में एक शुभ दिन को कन्या राधा आती है, उसमें झलक कल्प वृक्ष की ब्रह्म की नजरें पाती है। राधा को भी दादा में छवि कृष्ण की मिलती है। शिव ज्योति को देख ब्रुकुटी में कलिया कमल की खिलती है। तो इसीलिए हम यही प्रयास करते रहे तो कुछ ऐसा फिल्म बने जिसमें जो बाबा के बच्चे नए आए हैं और सारे भारतवर्ष और विश्व तक, ये क्या संस्था है, ये किसने बनाया? शिव बाबा तो हम कहते हैं, परंतु जो बीच में हम सबका जो पिता है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जो पिता है, बाप है, ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता पहले हमारे मनोहर दादी जी और हमारे शीलू दीदी जी, ये सभी बाबा की हिस्ट्री सुनाते थे, परंतु अभी शायद ऐसा सिस्टम अभी नहीं है जो, इसीलिए आप सभी पहली बार बाबा के, ब्रह्मा बाबा ने कैसे ये संस्था स्थापन किए, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा कैसे किया, वो प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाया जाएगा इसमें। और पहली बार ये प्रयास किया गया है कि गीतों द्वारा, दृश्य तो है, जो जो सीन आपने बाबा मामा के लाइफ हिस्ट्री में पढ़े हैं, किताबों में पढ़े हैं, वो दृश्य के रूप में आपको दिखाया जाएगा। साथ साथ इसमें आप लोगों को जैसे छप जाएगा, जो आप भी ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों जैसे बनने के लिए भी, ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल फिल्म है। संगम युग में परम पिता शिव आए हैं ब्रह्मा तन में। ब्रह्मा सो विष्णु की कहानी बैठ सुनाए मधुबन में। मुरली सुना कर देव बनाए कल्प कल्प रथ चेतन में। निराकार साकार